की संभावना है। ये महापंचायत किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले हो रही है। हजारों किसान बसों और दूसरे निजी वाहनों से भी यहां पहुंचेंगे। इसे देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर से लेकर रामलीला मैदान तक जगह जगह ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। रामलीला मैदान के आसपास ट्रैफिक के भी प्रभावित होने की आशंका है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को आगाह किया है। खासकर नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कश्मीरी गेट, बस अड्डा और LNJP और कस्तूरबा हॉस्पिटल आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर ITO दिल्ली गेट, राजघाट, दरियागंज, पहाड़गंज, कनॉट प्लेस, मंडी हाउस और इंडिया गेट समेत आसपास के कई अन्य इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ सुबह और शाम को कंजेशन बढ़ सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक सिंह जुड़ चुके हैं। दीपक, दिल्ली में किसान महापंचायत कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी अलका जी, जो जैसे देखा जा रहा है, तो किसान बीच में अभी आए थे दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो उन्होंने पहले ही सरकार को आगाह कर दिया था, यदि हमारी मांगे आप पूरी नहीं करते हो तो शायद आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। उन्होंने जो आंदोलन की बात करी, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर हम देखा गया, काफी जगह बैरिकेटिंग लगते हुए नजर आया और दिल्ली पुलिस की फोर्स वहां खड़ी मौजूद दिखी। और उस दौरान में फिर सीधे हमने देखा तो रामलीला मैदान के अंदर अभी उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है और अभी देखा गया उनकी जो बैठक है, जो अहम जानकारी पूरी निकलेगी वो 3:30 बजे के बाद उनकी जो बैठक खत्म होगी, उसके बाद ही हम उनको कुछ चीजों को क्लियर कर पाएंगे दर्शकों को। जी, किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार 9 दिसंबर 2021 को जो लिखित आश्वासन दिए थे उसे पूरा करना चाहिए। जी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2021 के अंदर, जो उन्होंने केंद्र सरकार ने जो उनको लिखित में दिया था, वो उसी बात को लेके कह रहे, जो आपने सिर्फ लिखित में दे तो दिया, उस पर काम नहीं कर रहा, तो आप सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर काम कर रहे हो। किसान को जो बिल है, उनके जो बिजली के बिल है, वो माफ नहीं कर रहे हैं। जो देखा गया अभी बीते दिनों में तो किसान आंदोलन में कुछ केसेस लगाए गए थे, उनको माफी करने के लिए बात कर रहे हैं। किसान और हमेशा अपनी आवाज उठाता है और लगातार सरकार को चुनौती देता है, सरकार को बोलता है अपना सुधार करिए थोड़ा सा, फिर भी सरकार नहीं सुनती है, तो इस बार उनको मजबूरन दिल्ली का घेराव करना पड़ता है। जी, MSP कानून की गारंटी को लेकर भी किसानों ने महापंचायत लगाई है, तो क्या लगता है आपको, ये जो किसान महापंचायत लगाई गई है, क्या कुछ फिर से बड़ा आंदोलन करने की सोच रहे हैं किसान नेता? शायद ऐसा हो भी सकता है। और अभी तो देखो, मैंने अभी क्या कहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले, यदि ये जब 3:30 बजे से पहले हम कोई ऐसी जानकारी नहीं अभी आ पाएगी और दर्शकों को 3:30 बजे के बाद ही हम पूरी जानकारी बता पाएंगे, आंदोलन तो इनका आगे बढ़ सकता है। यदि सरकार नहीं सुनेगी तो ये सब पूरे दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा आक्रोश बढ़ जाएगा। दीपक, दिल्ली में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भारी मात्रा में किसान आने वाले हैं? दिल्ली के अंदर सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा कर रखा है दिल्ली पुलिस ने, वो जगह जगह बैरिकेड लगा दी है और देखो ट्रैफिक को डिवाइड भी करा गया है, कोई जो यदि कोई रेलवे से जाए तो रेल के लिए भी जाए तो उनको दिक्कतें ना करना पड़े। ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने ये बोल दिया, आप प्राइवेट वाहनों को यूज करें, टैक्सी को यूज करें, तो कहीं ना कहीं जो है ना, जो जाम से उनको कहीं जाने के लिए दिक्कत ना हो और आराम से समय से पहले पहुंच जाए। घर से निकल तो 1 घंटा पहले निकलने पड़ना पड़ेगा आपको, यदि आप सोचोगे टाइम टू टाइम निकलोगे तो आपको दिक्कतें बहुत ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। दीपक, रामलीला मैदान में क्या कुछ माहौल है इस समय? माहौल देखो बहुत ही अच्छा माहौल है, कम से कम देखा गया कम से कम 10 से 15 हजार आदमी कम से कम आ चुके हैं रामलीला मैदान के अंदर और वो लगातार बैठ के वही मांग रख रहे हैं सरकार से और ये कह रहे हैं तो हमारे जो मांग है वो सरकार पूरी कर दी जाए, जैसे ही पूरी करेंगे हम सब लोग शांतिपूर्वक उठ के चले जाएंगे।
जी दीपक, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से किसान एक बार फिर एमएसपी कानून को लेकर महापंचायत कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जो भी उन्हें आश्वासन दिया गया था उसे पूरा किया जाए, कहीं ना कहीं बीजेपी जो किसानों के मोर्चे पर घिरती नजर आएगी या विपक्ष के पास बैठे बिठाए एक और मुद्दा हाथ लगने को है? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बैठे बैठाए सरकार अपने आप को खुद घिरती हुई नजर आ रही है और इनका जो विपक्ष है इसका पूरा पूरा फायदा उठाएगा। बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहना है इस किसान महापंचायत को लेकर? अभी तक तो कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है, तो अभी वो देख रहे हैं, वो अभी बैठक चल रही है। उन्होंने भी कहा कि हम 3 बजे 3:30 बजे के बाद ही हम आपको सारी चीजें डिटेल क्लियर कर पाएंगे, अभी हम ऐसा किसी को कुछ नहीं बता रहे। वो दीपक, क्या कुछ सीमाओं को रोकने की भी बात चल रही है, बैरिकेडिंग लगाने की, क्योंकि एक समय जब किसान अड़े हुए थे नए कृषि बिल को लेकर, साल भर तक लगातार चला था आंदोलन, तो ऐसी स्थिति तो नहीं उत्पन्न हो सकती रामलीला मैदान में कि किसान? ऐसी स्थिति नहीं बन रही है और बिल्कुल जो किसान आ रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक जा रहे हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ रहा, बड़े आराम से दिल्ली पुलिस उनको प्यार से लेकर जा रही है और सीधा गांधी मैदान छोड़ रही है, उनको शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। अभी ऐसा कुछ माहौल बन नहीं रहा, शायद सरकार नहीं करती इनकी मांगे पूरी नहीं करती तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बन सकता है। किसानों की रणनीति क्या है इस बैठक के बाद, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसान, क्या सरकार की तरफ से भी किसानों से बातचीत को लेकर कोई पहल करने की बात चल रही है या योजना चल रही है, क्योंकि एमएसपी कानून को लेकर काफी दिनों से किसान परेशान है? सरकार भी बातचीत कर रही है, उसमें देखोगे सरकार की तरफ से भी शायद कुछ ना कुछ फैसला आ गया तो शायद वो किसान और दोनों बैंक के शायद और बीच का कोई कोई ना कोई से रास्ता निकालने की सोचेंगे तो किसान भी खुश रहे और सरकार भी खुश रहे, तो इसमें दोनों को कोई बीच का एक रास्ता निकालेंगे। ये जो मेन डिसीजन आएगा वो 3:30 बजे के बाद ही कुछ ना कुछ को पता लगेगा। कृषि मंत्री से मिलने की भी बातचीत हो रही है दीपक? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं निकल के आ रहा है, देखो अभी शायद मंत्री, मैंने बताया ना आपको, कुछ मंत्री भी जो है वो भी सारी चीजें बीजेपी के मंत्री भी यही कह रहे हैं जो भी हम फैसला जो भी डिसीजन आएगा वो आपके सामने रख दिया जाएगा, तभी मीडिया को बुला के एक प्रेस वार्ता करेंगे, उस दौरान में उनको बताया जाएगा ये चीजें रही है। किसानों का मेन मुद्दा क्या है, क्योंकि किसान फसलों के प्राइस की भी बात कर रहे हैं, एमएसपी कानून की भी बात कर रहे हैं, प्लस बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं और पेंशन कर्ज माफी की भी बात चल रही है, तो कई सारे मुद्दे एक साथ हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार क्या किसानों की बातों को मानेगी? देखो सरकार को किसानों की बात माननी पड़ेगी, जो किसान के जो अहम मुद्दे हैं कृषि कानून को लेकर वो उसमें संशोधन करा जाए और जो देखा जाए किसानों का जो बिल है वो माफ किए जाए, किसान की जो अनाज है वो मंडियों की जो खरीदारी में चालू करा जाए, जो मंडी का रेट है वो किसान को मिलना चाहिए, यहाँ तक कि बीच के जो दलाल लोग हैं वो दलाली खत्म करने के लिए बात कर रहे हैं, ये अहम जो है किसान यही चीजों लेकर मैन मांगे रख रहे हैं वो, और सरकार को कहीं ना कहीं इस मांगों के ऊपर कहीं ना कहीं कदम उठाना पड़ेगा, यदि कदम नहीं उठाते तो शायद कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। दीपक, क्या वजह रही है कि किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर केस दर्ज हुए थे उन्हें वापस नहीं लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच ये समझौता हुआ था कि आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों पर केस दर्ज किए हैं सरकार उन्हें वापस लेगी, लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए थे उनको पुनर्वास देने की बात की गई थी, मुआवजा देने की बात कही गई थी, उन मुद्दों पर सरकार ने अभी तक विचार नहीं किया, क्या वजह रही, क्या सरकार को नहीं लगता कि किसान जो हैं वो लामबंद हैं और उनकी तरफ से अगर एक बार फिर कोई आंदोलन या मोर्चा किया जाता है तो बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखो किसान यही अपनी बात दोबारा बार बार रिपीट कर रहा है, जो देखा गया अभी जो 2021 के अंदर उन्होंने आंदोलन करा था उस आंदोलन के अंदर क्या ही मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों के ऊपर, कुछ लोगों के इस दौरान में सर उनका हादसा भी हुआ था, घटना भी हो गई थी, तो सरकार से यही कह रहे यदि जो केसेस जो लगाए गए तो उन केसेस को हटाया जाए, खत्म करा जाए और कुछ जो आपको मुआवजा ना दे वो मुआवजा भी दिया जाए, तो ये आखिरकार सरकार नहीं दे रही तो सरकार खुद अपने घेराव में खुद गिरती हुई नजर आ रही है। दीपक, अगर सरकार किसानों की बातों को नहीं मानती है तो क्या एक बार फिर संभावना बन रही है कि किसान आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे?
किसान की जो बैठक जो चल रही है उस बैठक के अंदर ही जो बताया जा रहा है जो वो जो फैसला करेंगे 3:30 बजे के बाद ही बताएंगे क्या किसान आंदोलन ज्यादा बढ़ सकता है या यही थम जाएगा। जी, किसानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्या लगता है कितने किसान जो है वो दिल्ली में जुट सकते हैं, क्या ये राष्ट्रव्यापी महापंचायत है और किन किन इलाकों से किसान जो है उठकर दिल्ली आ रहे हैं? जी, जैसे कि बताया गया जो किन किन राज्यों से आ रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको, एक राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से जो आ रहे हैं, यूपी से भी हैं और राजस्थान से भी है, जो इन राज्यों आ रहे हैं किसान, और अभी तक जो पहुंचे 10 से 15 हजार किसान पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान के अंदर। और देखा जाता है जब उन्होंने कल ही दिल्ली के अंदर भी धीरे धीरे मार्च होने लग गया था, किसान लोग आने लग गए थे, कुछ किसानों से हमारी बात भी हुई थी तो किसानों ने बता भी दिया तो भी हम तो दिल्ली के अंदर आ चुके हैं और जगह जगह हम लोग बैठेंगे, जाएंगे एक जगह जुट होकर बनाकर रामलीला मैदान के अंदर हम शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार से मांग रखेंगे, सरकार हमारी मांग सुन लेती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, वरना नहीं तो इसका भुगतान सरकार को भुगतना पड़ सकता है। दीपक, क्या लगता है आने वाले कई राज्यों में चुनाव है आने वाले समय में और खुद लोकसभा चुनाव भी जो है वो 2024 का नज़दीक आने वाला है, एक साल से कम का समय रह गया है अगर देखा जाए एक तरीके से, तो किसानों का जो इस समय जो वो महापंचायत कर रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार पे ये उनके पास मौका है दबाव बनाने का, उनकी बात सरकार सुने क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और हिंदुस्तान के गांव में सबसे ज़्यादा किसान बसते हैं, एज अ वोटर की भी बात की जाए तो क्या ये मौका है किसानों को अपनी बात एक बार फिर से मनवाने का सरकार से? शायद ऐसा हो सकता है कि किसान सरकार से अपनी बात मनवा लें और जो कहीं ना कहीं यदि सरकार उनकी बातें नहीं मानते तो इसका भुगतान 2024 से जो चुनाव होंगे उसके अंदर उनको भुगतना पड़ सकता है बहुत ज्यादा, और यदि इनकी बात मान लेते तो शायद किसान इनको फायदा भी दिला सकते हैं 24 के चुनाव के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए, नज़र बनाए रखिएगा महापंचायत पर क्या कुछ मीटिंग के बाद निकल कर आता है। तो किसान जो है वो महापंचायत कर रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं और MSP कानून सहित फसलों के उचित दाम जो आंदोलन के दौरान किसानों पर केस किए गए थे उन सभी मामलों को लेकर एक बार फिर किसान जो हैं वो रामलीला मैदान में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार 9 दिसंबर 2021 में जो लिखित आश्वासन दिए गए थे उन्हें पूरा करे। ब्रिटेन से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, खालिस्तानी समर्थकों ने रविवार को ब्रिटेन स्थित भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ की और जमकर नारे लगाए। खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय हाई कमीशन की इमारत पर लगे तिरंगे का भी अपमान किया। इन लोगों के हाथ में खालिस्तानी समर्थक और कट्टरवाद उपदेशक अमृतपाल सिंह के पोस्टर थे। इस घटना के बाद मोदी सरकार ने भारत में ब्रिटेन के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को समन भेजा है, ये जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी है। भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने इस घटना को भारतीय हाई कमीशन और भारतीयों के लिए शर्मनाक बताते हुए निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स भारतीय हाई कमीशन की बिल्डिंग पर चढ़कर तिरंगा उतार रहा है। वीडियो में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों के इस समूह ने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। तो ब्रिटेन से शर्मनाक तस्वीरें ये जो है नजर आ रही हैं, खालिस्तानी समर्थक भारतीय हाई कमीशन के ब्रिटेन में बिल्डिंग पे जो तिरंगा लगा हुआ है उसे उतारते नजर आ रहे हैं, भारतीय तिरंगे का अपमान करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस घटना की भारतीय सरकार ने कड़ी निंदा की है और ब्रिटेन के उच्च राजनयिक को समन भी भेजा है। हालांकि इस घटना को लेकर ब्रिटेन के राजनयिक ने कहा कि ये एक निंदनीय घटना है जो भारत के आत्मसम्मान को आहत करती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खालिस्तानी युवक भारतीय तिरंगे को उतारता हुआ नजर आ रहा है और ये लोग खालिस्तान का झंडा लिए हुए भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं।
और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अमीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। ब्रिटेन से एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें जी खालिस्तान के लोग जो हैं वो भारतीय कमीशन की जो बिल्डिंग है उससे भारतीय झंडे को उतार रहे हैं, अपमान कर रहे हैं तिरंगे का। जी डॉक्टर मोहम्मद आमीन, आपको क्या लगता है जिस तरीके से खालिस्तानी बढ़ रहे हैं और फिर ब्रिटेन में भारतीय झंडे का अपमान किया जा रहा है, इसे किस तरीके से लिया जाए? क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध हैं और वहां के हाई कमीशन पर खालिस्तानी खड़े होते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं। अलका जी, मैं विदेश मंत्रालय में था, मैं फॉरेन डिप्लोमेट हूँ, मैं जी रक्षा मंत्रालय से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उसका विशेषज्ञ हूँ, नंबर एक। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जहां तक सवाल है वियना कन्वेंशन का, जी तो वियना कन्वेंशन में क्लियर कट है कि जो हमारे हाई कमिश्नर्स होंगे और उनके जो कार्यालय होंगे, दूतावास होंगे, एम्बेसी होगी, काउंसिल आवास होगा, और उनके जो स्टाफ होंगे, इन अधिकारियों की और हमारे जो एम्बेसी की बिल्डिंग है उसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन देशों पर होती है जिन देश में हमारे एम्बेसी काम कर रही हैं। देखिए, आपने भी बताया कि अरविंदन बागची जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को कहा और बताया कि जो उनके एलेक्स हैं हाई कमिश्नर यहाँ पर इंडिया में, उनको बुलाकर अपना विरोध दर्ज कराया गया है। देखिए, ये एक, एक, एक ये जो एक निंदनीय घटना है और इसको रोका जाना चाहिए। इस बात के लिए पहले भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पूर्व जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, ब्रिटेन के, उनको ये विरोध दर्ज कराया था, जो इससे पहले नारेबाजी और घटनाएं हुई थी वहां पे हाई कमीशन के सामने, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इसका विश्वास दिलाया था कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना नहीं होगी और इसको रोका जाएगा। तो उसी का नतीजा है, आप देखिए कि इस संबंध में कि जो पड़ोसी है एम्बेसी के पास का एक व्यक्ति, जिसने कि वहां झंडा लहराने में उनकी मदद की और पूरा सपोर्ट किया, उसको हिरासत में लेके कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ जारी है, और पूछताछ जारी होने के बाद ब्रिटिश कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। देखिए, जहां तक सवाल इस बात का है कि हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है, हमारे देश का सवाल है, हमारे देश में जिस तरह से भी घटनाएं घट रही हैं या आसपास घटी, कभी कनाडा में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, इसको अच्छे मुद्दे पर हाई लेवल पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने और विदेश मंत्री ने भी हमारे देश के इस बात को उठाया है और हमेशा देश की सम्मान की बात की है। और मैं समझता हूँ कि इस बात से हमारे देशवासियों को इतना निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश के विदेश मंत्री और साथ में रक्षा मंत्री सभी सजग हैं गृह मंत्री के साथ में, कि हमारे देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे देश की जो तिरंगा की आन बान शान है वो बरकरार रखी जाएगी, चाहे देश में हो या विदेशों में। इस पे बड़ी तेजी से प्रक्रिया हुई है और उस पे एक्शन लेने की बात की गई है। जी अलका जी, डॉक्टर मोहम्मद आमीन, एक तरीके से खालिस्तानी युवक ने या फिर खालिस्तानियों ने झंडा दिखाया जिस तरीके से तिरंगा का अपमान किया है, और पंजाब में भी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। अमृतपाल सिंह नाम के एक युवक हैं, नौजवान हैं, और एक बार फिर से वारिस द पंजाब नाम से वो एक मुहिम चला रहे हैं। कहीं ना कहीं हथियार, अमृतसर में जो घटना हुई उसको लेकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक समय जो खालिस्तानी मांग कर रहे थे अलग राज्य की, उसी तरीके से एक बार फिर पंजाब की तरफ, पंजाब में वो हवाएं जो है एक बार फिर से तेज हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है, और जिस तरीके से बाहरी देशों में भी भारतीय एम्बेसी के सामने, हाई कमीशन की बिल्डिंग के सामने जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो ये भारत की सुरक्षा और शाख को कम करते नजर नहीं आते? देखिए, वहां पंजाब के लोग शुरू से ही, आपने देखा जैसे कश्मीर है और पंजाब है और नॉर्थ ईस्ट में ये समस्याएं आती रही हैं, और इससे पहले याद होगा आपको कि आतंकवाद मिसेस गांधी के टाइम में उठाया था, जिसमें हमारे डोभाल साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था, श्री अजीत जो डोभाल जो हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार हैं, ये उस वक्त उस ऑपरेशन को, ब्लू ऑपरेशन जो स्टार ऑपरेशन था अमृतसर में,
उसको इन्होंने अंजाम दिया था बड़े सादगी के साथ में और बड़ी चतुर चालाकी के साथ में उसको कंट्रोल किया गया था। और इस वक्त वो हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार है, उस वक्त तो उसमें अपना अहम रोल अदा कर रहे थे, लेकिन सीधे यहाँ पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। हमारे देश की सुरक्षा को कैसे रखना है, क्या करना है, किस तरह रखना है, इसके लिए डोभाल साहब बहुत ही समझदार और बड़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने हर समय पर देश की सेवा की है। मैं समझता हूं कि जो पंजाब में इस तरह की उग्रवाद की बात आई है वो इसलिए भी हो सकती है कि इस वक्त पंजाब में जो इलेक्शन हुए उसमें पंजाब में उनकी जो आपकी पार्टी है उस पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई है और जिसका कोई अस्तित्व वहां पर था नहीं कि वो वहां पर सरकार बनाती है, तो कांग्रेस बनाती थी या बीजेपी बनाती या कोई और भी दल मिलकर बना सकते थे, अकाली दल। लेकिन इस वक्त जो आपकी पार्टी आई है, इस पार्टी के पास पैसे का जहां तक सवाल है कमजोरी है। अभी देखा आपने कि दिल्ली के अंदर जो मनीष सिसोदिया को लिया गया है वो इसीलिए बुलाया गया है कि उनके कहीं तार इस लगे मिले हैं कि वो उन्होंने पैसा लेकर जो पैसा कमाया शराब नीति में उस पैसे को उठा के उन्होंने पंजाब के इलेक्शन में लगाया। अब पंजाब के इलेक्शन में लगाया है तो इसलिए ये सब बातें सामने निकल कर आई हैं और आतंकवाद बढ़ने की बात हो रही है। लेकिन आप चिंता ना करें इस बात की, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने बहुत ही चतुराई चालाकी के साथ में और ईमानदारी के साथ में देश को एक रखना है। देखिए उन्होंने कश्मीर को भी एक मिला लिया है, जो अपनी अलग बात करता था, अलग चाल चलता था। नॉर्थ ईस्ट में भी यही हुआ कि उन्होंने हमेशा अलग चाल चली नॉर्थ ईस्ट वालों ने कि हमें ये करना है वो करें, कभी उल्फा है कभी कुछ है कभी कुछ है। तो इस मामले को भी आप समझ लीजिए कि बड़ी चतुराई के साथ में, बड़ी ईमानदारी के साथ में देश में सुलझा लिया जाएगा और देश के बढ़ते हुए आतंकवाद पर ये कदम बहुत तगड़ा कदम होगा जो एक हिस्टोरिकल होगा। ये लोग दोबारा फिर इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, ना देश में ना विदेश में। जी अमीन जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से इतनी तेजी से अमृतपाल सिंह आगे बढ़े और उसका नाम जो एक कस्बे में भी जिन्हें लोग नहीं ज्यादा जानते थे, अब उनकी चर्चा जो है वो देश विदेश लेवल पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है सुरक्षा मामलों में, आंतरिक सुरक्षा मामलों में। हम खालिस्तान के मुद्दे पर कहीं ना कहीं हम ये सोच चुके थे कि ये जो विचारधारा है एक तरीके से सिमट जो है भी वो बहुत दो चार चंद लोगों में है। नहीं कहीं? पंजाब में जब मैंने कहा ना अभी आपको, जब पंजाब में सरकार बन गई और ये पंजाब की ड्यूटी बनती है वहां के स्टेट इंटेलिजेंस की, आंतरिक सुरक्षा की स्टेट की और वहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी है इस तरह की गतिविधियों को ध्यान में रखे हुए, पहले ये सब चीजें हो चुकी हैं तो इसको ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि पंजाब की सरकार इस वक्त इन लोगों पर अपना शिकंजा कस पा रही है। उसी का नतीजा है कि देखिए कल ये हुआ और उसके बाद इससे पहले वो थाने में बंद करने की बात थी तो उनको छुड़ा के ले गए, वो लोग आए और अपने नारेबाजी की, थाने का घेराव किया और उनके अधिकारियों ने छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि उनकी लीनियंसी है, उनकी कोई अच्छी बात नहीं है स्टेट में इस तरह की बातें उभरना। आप उस मामले में देखिए अब क्या हुआ है कि सेंटर को अपना एक्शन लेना पड़ा है, इसीलिए उनको उठा के यहाँ से डिब्रूगढ़ ले जाया गया है आसाम में और वहां उठा के बंद किया गया है। जैसे कश्मीरियों को कश्मीर से निकाल के दूसरे स्टेट्स में डाला गया, तो इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो NIN जो है जो एक्शन लेती है उसमें ना तो उसको किसी अदालत के पास जाना है, उसके पास अपने अधिकार सुरक्षित हैं, वो अपने एक्शन ले सकती है और इस बारे में क्या बताना है नहीं बताना है, प्रेस को बताना है, जनता को बताना है, वो अभी कुछ नहीं करती है। उतना उसको बाध्य है ना ही कोई कोर्ट का कानून उस पर लगता है, क्योंकि देशद्रोह का सीधा मामला होता है, इसलिए NIA उसकी जांच कर रहा है और उसमें लगा हुआ है। और मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे गृह मंत्री इस मामले को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट चैलेंज उन्होंने गृह मंत्री को भी दिया हुआ है और देश को भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से उचित नहीं है कि वो लोग आगे ज्यादा चल पाएंगे। जी जी अलका जी जी, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान की सुरक्षा पर भी बात आ रही है और हिंदुस्तान की सुरक्षा किसी स्टेट, किसी गवर्नमेंट, किसी पार्टी से ऊपर होती है। तो आपको क्या लगता है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस मामले को किस तरीके से डील करना चाहिए या किस तरीके से ये जो हवा चली है उसे रोका जा सकता है? क्योंकि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो फिर हालात वही होंगे जो इंदिरा गांधी के समय में थे पंजाब में, और एक बार फिर ऐसे किसी मुहिम को शुरू करने की जरूरत पड़ जाए तो लोगों परेशानियां जो है वो आंतरिक सुरक्षा के मामले में बढ़ सकती हैं।
देखिए ये चीजें जो है, अगर पंजाब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या जी नहीं कर पाएगा, अभी वो वॉच कर रहे हैं सेंटर वाले कि देख रहे हैं उनके अधिकारी भी, और हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर इस तरह की चीजें पंजाब सरकार नहीं कंट्रोल पा रही है और देश तो वो टूटने की स्थिति आती है, या अपने खालिस्तान की बात करते हैं इस मामले में, फिर वो क्या होगा कि वहां पे गवर्नर रूल लग जाएगा। जैसे आपने देखा है कश्मीर में सरकार भंग कर दी गई और 370 लगा दिया गया, हटा दिया गया, और वहां पर कानून को नाफिज कर दिया गया और वहां पे अपना गवर्नर बिठा दिया गया। वो इसलिए कि देश की एकता का सवाल है, अखंडता का सवाल है, तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैं समझता हूं कि पंजाब की सरकार को इस पे कदम लेना चाहिए, अगर नहीं ले पा रही है तो सेंटर अपना अपना अधिकार नहीं छोड़ सकता और उस पे एक्शन लेगा, और चाहे उसको राष्ट्रपति शासन लगाकर यहाँ पर स्टेट की सरकार को भंग करना पड़े। जी डॉक्टर मोहम्मद आमीन, आपको नहीं लगता जिस तरीके से पीएफआई मामले में केंद्र सरकार ने सूझबूझ से काम लिया, या यूं कहे कि पीएफआई को एक प्रतिबंधित कर दिया, वारिस द पंजाब और अमृतपाल सिंह को लेकर भी सरकार को इसी तरीके के कुछ कदम उठाने चाहिए, हालांकि राजनीति में ना पड़कर कि ये पंजाब में राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की है, केंद्र की भी तो कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं और केंद्र सरकार के हाथ में तो ये मामला पूरी तरीके से है। जिस तरीके से पीएफआई को बैन कर दिया गया, उस जगह जगह उस मामले में छापेमारी पड़ हो रही है, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, इस मामले में भी उसी तरीके का कुछ किया जा सकता था या किया जाना देखिए चाहिए? पीएफआई का अलका जी मामला केरला गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है जी, और देखा गया कि वहां पर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। जी अगर नहीं किया तो केरला से लोग निकल कर आए नॉर्थ इंडिया में, जी उन्होंने अपने अपने हाइड आउट्स बनाए, तो जी यहाँ पर देखा, इसीलिए सब जगह छापे मारे गए। अब ये इस बात को, प्रतिपाल सर के मामला जो है यहाँ पर, जो खालिस्तानी की बात कर रहे हैं जी, वो इस मामले को सरकार पहली निगाह से देख रही है, हमारा इंटेलिजेंस और सतर्कता विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इस बात में रहेगी। हमारी बहुत सी एजेंसियां भारत सरकार की जो इन पर वॉच करती हैं, देश के अंदर और विदेशों में भी, अगर इस तरह के उनको तार मिलेंगे और इस तरह की बात होगी तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत लेगी। उसी का नतीजा मैंने आपको बताया कि एनआईए की तौर पर एनआईए ने उसको लिया है केस को, और उनको डिब्रूगढ़ आसाम ले गए हैं, यहाँ पर पंजाब में रखा ही नहीं उन्होंने। और मैं नहीं समझता हूँ कि एक्शन लेने की मूड में गवर्नमेंट जो है इस वक्त, कोई कोर कसर या कोई छूट देगी या उनको किसी तरह की कोई छूट मिलने वाली है, इसमें देश का सवाल होगा। इसमें देश के जो नेतागण है हमारे इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, पार्टी भी स्ट्रांग है, और उन अधिकारियों के साथ में एक्शन लेंगे। आप देख रहे हैं कि जहां जहां स्टेटमेंट की पार्टियां हैं, यहाँ चीफ मिनिस्टर्स हैं, वहां भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। देश विरोधी के साथ कोई समझौता नहीं है इस सरकार का, ना देश के लिए तोड़ने की बात करेगा तो उसके साथ भी कोई समझौता नहीं है, पूरा एक्शन सरकार लेने में चूक नहीं करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहम्मद आमीन हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिटेन में हाई कमीशन की बिल्डिंग पर तिरंगा जो लगा था उसको उतार कर अपमान किया भारतीय तिरंगे का, खालिस्तानी झंडे दिखाए और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पंजाब में भी वारिस दे पंजाब के अमृतपाल सिंह के खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, हालांकि आंतरिक मामले से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा के मामले से ये पूरा मामला। लेकिन देखना अब ये होगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ करती है पंजाब में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए और भारतीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में भारतीय झंडे के साथ जो बदसलूकी हुई है उस मामले में ब्रिटेन की सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी 80 सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप भी लगाया। कोलकाता में सपा की बैठक के बाद अखिलेश ने कहा
कि भाजपा वालों को वोट की जरूरत होती है तब वे वादे करते हैं। बीते दिनों में लोगों के खर्च और बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव से पहले किया कोई वादा पूरा नहीं किया। अखिलेश ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि भाजपा को 2024 चुनाव में हराना जरूरी है, इसलिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कई राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसा गठबंधन चाहते हैं, कोशिश में हैं जो साथ काम कर सके। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ऐसी कोशिश कर रहे हैं, तमिलनाडु की सीएम एमके स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इसी तरीके के प्रयास में हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित राजनीतिक प्रस्ताव के बारे में कहा कि उनकी पार्टी ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि अगले साल होने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश और देश में भाजपा की हार हो। यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो भाजपा को रोक सकता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे, पूरा देश सपा की ओर देख रहा है। उस समय बोर्ड में देश के सामने संकट इतना बड़ा है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं उदाहरण के लिए एक बात कहना चाहता हूं आपसे। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का केवल एक विभाग का उनके प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट कर दिया गया था एक प्राइवेट फर्म में, और प्राइवेट फर्म वो डूब गई। वो एक जानी मानी कंपनी थी और उस समय बोर्ड ने इसलिए फैसला लिया था कि उन्हें उम्मीद थी कि इस प्रोविडेंट फंड को हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन 2 साल के अंदर वो कंपनी फेल हो गई, वो कंपनी भाग गई पैसा लेकर के। तो उस समय जिन जिन अधिकारियों ने वो फैसला लिया था उन अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। ईडी जांच हुई, इनकम टैक्स के छापे पड़े, सीबीआई जांच कर रही है। मैं वही बात दोहराना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हुए थक नहीं रहे थे और वो एक बात कहते थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियां इतनी अच्छी हैं कि देखिए भारत का एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच गया है और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो वही उद्योगपति नंबर 1 पर हो जाएगा। ये गर्व की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का प्रचार किया जिस तरीके से वो G20 का पूरे देश में घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। आज बताइए वो उद्योगपति कहां है। अगर पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए उस समय बोर्ड में जितने लोग थे जिन्होंने फैसला लिया था उनको जेल भेजा जा सकता है। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप जी, समाजवादी पार्टी का कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे बीजेपी को हराने के लिए देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में। छोड़नी भी नहीं चाहिए अलका जी, यही राजनीतिक पार्टी का काम है कि वो जब इलेक्शन आते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, विधानसभा के हो, पंचायत के हो, कहीं के भी हो, वो अपना पूरा जोर लगाए कि वो अपने विपक्षी को हरा सके। लेकिन कुछ भी कहने से पहले अपने शब्दों का आकलन ये जरूर कर लेना चाहिए कि जो शब्द वो मुंह से निकाल रहे हैं उनकी उसमें घनत्व कितना है, मतलब कितनी वेटेज इनकी बातों में कि अखिलेश यादव जी सिर्फ उत्तर प्रदेश की पार्टी है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, और अगर वो पूरे देश में जीतने की बात कर रहे हैं तो ये दावा उनके स्टेटमेंट से ही झूठ साबित हो जाता है। अब रही बात कि अलायंस करके अगर पूरे देश में घूम के भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो बड़ा फर्क है कि आप अपनी पार्टी के सिमट पर पूरे देश में चुनाव लड़े या अलायंस करके चुनाव लड़े, क्योंकि भारत की जनता पिछले कई बार से जिस पार्टी को भी सत्ता में बैठाना चाह रही है उसको पूरा मैंडेट दे रही है। आप देखिए ज्यादातर राज्यों के चुनाव या विधानसभा लोकसभा के चुनाव पिछले 2-3 बार से हर बार फुल मैंडेट की पार्टी आ रही है। तो समाजवादी पार्टी को ये कहां से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने से रोक लेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने से रोकने में सक्षम अगर कोई पार्टी है राष्ट्रीय लेवल पर तो वो कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस में भी इतनी सामर्थ आज के समय में नहीं बची है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ताकत के सामने खड़ी हो पाए। भारतीय कांग्रेस अगर क्षेत्रीय पार्टी के साथ अलायंस करे
तो एक बार को यह संभव माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का यह दावा दावा है वो चुनावी दावा है, वो कहीं से सत्यता में बदलना मुझे संभव नहीं लगता है। दिलीप जी, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं, अलायंस की बात कर रहे हैं कि जो दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, चाहे चंद्रशेखर के राव हैं, ममता बनर्जी हैं, एमके स्टालिन हैं, नीतीश कुमार हैं, कि ये लोग प्रयास कर रहे हैं बीजेपी के रोकने का, और वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। तो कांग्रेस भला क्यों जाएगी इन छोटे छोटे पार्टियों की जो स्टेट में चल रही हैं, जिनका नेशनल लेवल पर कोई अस्तित्व नहीं है, ये लोग क्यों नहीं कांग्रेस के पास जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इनकी कथनी करनी में फर्क है, ये बस जुबानी जंग लड़ रहे हैं एक तरीके से बीजेपी के नेताओं से या भारतीय जनता पार्टी से? ये सही है अलका जी कि ये जुबानी जंग ही है, और जो रीजनल पार्टीज हैं वो राष्ट्रीय पार्टी के पास जाना नहीं चाहती और राष्ट्रीय पार्टी इनके पास आना नहीं चाहती। एक तो ईगो क्लैश करता है, और ये ईगो का क्लैश या जो सामयिक बेनिफिट के इन पार्टियों का गठबंधन होता है, इस गठबंधन को जनता समझती है कि ये एक बढ़िया राज्य बढ़िया शासन देने के लिए गठबंधन हो रहा है या अपने अपने खाते में सत्ता की मलाई लेने के लिए गठबंधन हो रहा है। तो मैंने कहा ना कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है, वो इस तरह के सामयिक गठबंधन पर अब बहुत विश्वास नहीं करती है। जो साउथ की पार्टियां हैं वो समाजवादी पार्टी को जानती भी थी, और समाजवादी जो यहाँ के लोग हैं वो साउथ की पार्टियों को बहुत ज्यादा नहीं जानते। तो समाजवादी पार्टी का देश उत्तर प्रदेश में मजबूत हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि यहाँ वो हो सकता है कि एक बार को भारतीय जनता पार्टी के लिए टक्कर नहीं दे पाएंगे, लेकिन मुश्किल जरूर खड़ी कर देंगे कि इस समय वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरी कोई पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ये कहती कि हम कर्नाटका में जाके चुनाव लड़ लेंगे, क्योंकि उनका सपना ही है कि कर्नाटका में समाजवादी पार्टी को लोग जानते हो, मैं तो दावा करता हूँ कि अखिलेश जी को भी कुछ लोग जानते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां के जो लीडर्स होते हैं उनको पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग तो जानते हैं, लेकिन आम आदमी आम जनता नहीं जानते। और कांग्रेस अभी भी किसी ना किसी मद में रहती है, उसका ये कहना है कि भाई हम पूरे देश में खुद ही चुनाव लड़ेंगे। अगर वो रीजनल पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं करते हैं तो उनके लिए चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल है, और फिर आपस में जो बिल्ली का झगड़ा होता है उस बिल्ली के झगड़े में बंदर का फायदा हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल जाएगा। जी दिलीप यशवर्धन जी, अखिलेश यादव जिस तरीके से गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो जो राज्य है उनमें जो छोटे छोटे दल हैं जो सत्ता में भी हैं, आपको क्या लगता है कि नेशनल लेवल पर इलेक्शन लड़ने के लिए जो स्टेट की पॉलिटिक्स है वो काम करती है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव रोक लें, बिहार में नीतीश कुमार रोक लें, तमिलनाडु तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव रोक लें बीजेपी को, क्योंकि हर हर पार्टी का तो अपना एक सीमित दायरा है। हाँ मैं बता रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि देखिए जो लोकसभा की सीटें हैं वो है तो प्रदेश में ही ना जी, और हर प्रदेश को सीटें अलॉटेड है, जैसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को है जी। तो अगर स्टेट में इन्फ्लुएंस रखने वाली पार्टी लोकसभा के चुनाव में आगे निकलती है जी, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां उनके लिए एक मुश्किल है सीट निकाल पाना। तो जितने भी लोग जो सीटें हैं लोकसभा की जी, वो लोकसभा की सीटें राज्यों से ही निकल के आती है, तो किस राज्य में किस पार्टी का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस बात पे लड़ाई का मजबूत होना या कमजोर होना निर्भर करता है। और अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अन्य राज्य हैं उनमें जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो मजबूत हैं, वो अगर लोकसभा के चुनाव में अपने फेवर में जनता का आकर्षण करके ले जाती हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हार 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 वाली स्थिति होगी या मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दिलीप जी, आपको नहीं लगता जो स्ट्रेटजी जो है अपनाई जा रही है दूसरे दलों के द्वारा, जो क्षेत्रीय दल है थर्ड फ्रंट बनाने की बात की जा रही है, इलेक्शन के बाद की स्थिति क्या होगी? अगर मान लीजिए जीत भी जाती हैं ये पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों में, फिर केंद्र में बंटवारे को लेकर, केंद्र में सत्ता की मलाई की बात जो आप कह रहे हैं उसको लेकर हालात बिगड़ते नजर नहीं आएंगे? एक स्थिर गवर्नमेंट तो नहीं मिल पाएगी? जीतने की उम्मीद इसलिए नहीं करी जा सकती है क्योंकि जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो आदमी प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहता है कि वो कौन व्यक्ति है जिसको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा जी। तो हर पार्टी का जो मुखिया होता है वो ये चाहेगा कि हमारा चेहरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। तो
तो पहली बात तो इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार जी सबसे प्रबल लगातार है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो वो कहेंगे मेरा चेहरा आगे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो अखिलेश जी कहेंगे मेरा चेहरा होना चाहिए। तो ये चेहरे को लेकर के ही लड़ाई हो जाएगी। और इस देश की जनता जब तक ये नहीं समझ लेती है कि जो चेहरा उस कुर्सी पर बैठने जा रहा है उस चेहरे के व्यक्तित्व में इतना दम है कि वो सेंटर लेवल की पॉलिटिक्स को लीड कर ले जाएगा और इस देश को एक मजबूत सरकार दे देगा, तब तक इस देश की जनता उसको वोट नहीं देती। सांसद बना सकती है लेकिन केंद्र की राजनीति में हिस्सेदारी दिला नहीं सकती। जी दिलीप से हर्षवर्धन जी, बात छोड़ दीजिए नेशनल लेवल की, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को क्या नजर आता है कि वो 80 की 80 सीटों पर हराने की बात करते हैं? ये तो देखिए कहने के लिए तो चुनावी दावे होते हैं और आपके कार्यकर्ताओं में जोश भरने का एक तरीका होता है। अब वो अपने कार्यकर्ताओं से ये तो नहीं कह सकते कि हम 4 ही सीटें जीतेंगे या हम जो अपनी पारिवारिक सीटें हैं वही जीत पाए। ये तो लीडरशिप की एक क्वालिटी है या एक लीडरशिप स्ट्रेटेजी होती है कि जब तक आप अच्छा नहीं बोलेंगे, बड़ा नहीं बोलेंगे, आपके इरादे मजबूत नहीं होंगे, तब तक आपके पीछे काम करने वाले लोगों में जोश नहीं आएगा। तो जोश को दिलाने के लिए, उतने कैंडिडेट ढूंढने के लिए ये जरूरी है कि दावा हो कि हम सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल धूल चटा देंगे। लेकिन वास्तविकता अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि क्या होने वाला है और उनकी पार्टी के लोग भी जानते हैं और देश की प्रदेश की जनता भी जानती है कि वास्तविक स्थिति क्या होगी और 24 आएंगे वो लगभग किस तरीके के आएंगे, ये सारा प्रदर्शन आम जनता भी समझती है। दिलीप हर्षवर्धन जी, आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव को दूसरे राज्यों के सीएम से मिलने से ज्यादा उन्हें उत्तर प्रदेश के मुद्दों को उठाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन 80 सीटों की वो बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों पे पार्टी जीत जाए उसका जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सत्ता में जो है केंद्र के हनक रहता है, तो अखिलेश यादव को बाकी दूसरे राज्य की पार्टियों की बजाय उत्तर प्रदेश में फोकस करना चाहिए, उन्हें सरकार की खामियों को लेकर आंदोलन करना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना चाहिए बजाय जाके के चंद्रशेखर राव से मिलने का और एक थर्ड फ्रंट की बात करने का, क्योंकि अखिलेश यादव अभी तक जितनी भी चुनाव उन्होंने अपने नेतृत्व में लड़े हैं सर उन्हें जीत नहीं मिली है और कहीं ना कहीं उन्हें जितने भी पार्टीज के साथ गठबंधन हुए हैं अखिलेश यादव को फायदा होने की बजाय दूसरी पार्टियों को हुआ है फायदा। आप ठीक कह रही हैं अलका जी, अखिलेश जी को किसी और राज्य में जाकर के सरकार केंद्र में सरकार बनाने का दावा करने के बजाय उसके लिए ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी ज्यादा निभाए, क्योंकि 22 के बाद 27 में दोबारा से चुनाव होने वाले हैं और 27 में जनता फिर इनके पक्ष में समर्थन तभी दे पाएगी जब वो इन 5 सालों में जनता के हित में कुछ करेंगे और अगर वो केंद्र की राजनीति में लग जाएंगे तो 2023 और 2024 का आधा साल चला जाएगा, हाथ कुछ नहीं आने वाला है। और अगर 80 की 80 सीटें यहाँ पर वो इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत जाते हैं तो वो ये दावा कर सकते हैं और ये मान के चल सकते हैं कि 2027 में समाजवादी की गारंटीड सरकार बन जाए और 80 सीटें निकालने के बाद केंद्र की राजनीति में एक मजबूत दावेदारी होगी और ये मजबूत दावेदारी उनको तभी मिल सकती है जब वो उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास जीत लें। उत्तर प्रदेश की जनता ये भरोसा कर पाए कि अखिलेश यादव जी में वो पॉलिटिकल एबिलिटीज हैं कि ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा के साथ साथ केंद्र में लोकसभा को भी चला सकते हैं। जी। तो इसके लिए जरूरी है कि उनका फोकस उत्तर प्रदेश पे ही रहना चाहिए रादर देन कि वो पूरे देश में घूम के भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करें। एक बड़ी सामान्य सी बात होती है कि अगर आप अपने जीतने पे ज्यादा ताकत लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और अगर आप दूसरे को हराने पे ज्यादा ताकत लगाएंगे तो आपकी एनर्जी को भी कम कर देगा। जी दिलीप हर्षवर्धन जी, कांग्रेस भी जो है लगातार मुहिम चला रही है, कभी भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है, कभी आभास से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है, तो जिस तरीके से कांग्रेस खुद को तैयार कर रही है 2024 के लिए, उसे जीत मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा कुछ करते नजर नहीं आ रहे, वो बस अब शिवपाल सिंह को पार्टी में वापस ला चुके हैं और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी फिर से एक शांत माहौल में चली गई है। बजट के सत्र में थोड़ा सा हंगामा होता है लेकिन मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से एक भी सरकार के खिलाफ, तो आपको नहीं लगता कि सिवाय मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर रही है या मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार
के स्टेट की राजनीति में सक्रिय है, केंद्र की राजनीति का तो समय अब आ रहा है, लेकिन प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी काफी एक्टिव है, काफी मुद्दे उठाए जाते हैं, संसद में हंगामा होता है अक्सर, प्रश्नकाल को लेकर प्रश्नकाल प्रश्न को लेकर के काफी गहमा गहमी रहती है और नोकझोंक चला करती है। ये अलग बात है कि बहुत सड़कों पर बहुत मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, ट्विटर पर उठाए जाते हैं, न्यूज एजेंसी के माध्यम से इनको प्रचारित किया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक्टिव है, मैं इस बात को नहीं मानता कि वो कुछ कर नहीं रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो अखिलेश यादव बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 2 दिन की कार्यकारिणी की बैठक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर चल रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, कोई भी कसर वो बाकी नहीं रखेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे। वहीं मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने आर्या न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी बेहाल हैं, लेकिन सरकार मनमाना निर्णय ले रही है। महाराष्ट्र युवक कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और सभी लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। विरोध नौजवान साथियों, चलो महाराष्ट्र के विधानसभा के ऊपर हल्ला बोल करते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश को बर्बाद किया है, उसी तरह शिंदे और फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र को बर्बाद किया है। इस प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है, महाराष्ट्र का नौजवान नौकरी न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहा है, महाराष्ट्र के 18 लाख कर्मचारी इनका विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र युवक कांग्रेस ने जो आंदोलन छेड़ा है, उसमें मैं मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते मैं भी सम्मिलित होने जा रहा हूं। चलो आप भी सम्मिलित हो जाइए और महाराष्ट्र के विधानसभा के ऊपर 21 तारीख को हल्ला बोल करते हैं। नौजवान साथियों, चलो तो महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस 21 मार्च को विरोध प्रदर्शन करेगी और इसके लिए मुंबई के अध्यक्ष कांग्रेस के भाई जगताप ने लोगों से अपील की है कि नौजवान और किसान सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाएं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमित शाह और मोदी की जोड़ी देश को बर्बाद कर रही है, उसी तरीके से शिंदे और फडणवीस सरकार की जोड़ी महाराष्ट्र को बर्बाद कर रही है। किसान परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए सभी नौजवानों से उन्होंने अपील की है कि 21 मार्च को वो कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं और भी लोग जो है महाराष्ट्र के वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हों। तो लगातार जो है वो कांग्रेस की तरफ से बजट सत्र के दौरान भी हंगामा किया जा रहा है, अन्य विपक्षी दल के नेताओं के साथ मिलकर सरकार को घेरने की कोशिश, किसानों के मुद्दे पर, किसानों को मुआवजा देने के मुद्दे पर जो है विपक्ष के नेता और कांग्रेस लगातार हल्ला बोल रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा 21 मार्च को राज्यव्यापी, जिसमें शामिल होने के लिए मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने लोगों से अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए